अब होंगे रुसवा तेरे हरीफ नवाज शरीफ ओ नवाज शरीफ नवाज शरीफ ओ नवाज शरीफ। मियां दे नारे पीआईए और बिलखसूस मुल्क तो पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत के टाइम पीरियड के अंदर मुल्क के जो जितने भी इदारे हैं उनका जिस बेदर्दी से इस्तेहसाल हुआ है उसकी मिसाल 64 साल तारीख में नहीं मिलती। और ये ना सिर्फ इदारों बल्कि जिस इस मुल्क का जो हाल है, वो मुल्क जिसके कर्जा जब ये आए थे तो 6,666 अरब था, वो बढ़ के 12 अरब से तजावज़ कर चुका है। तो हम इनकी किन किन गफलतों को, किन किन करप्शन को, किस किस चीज़ को हम उजागर करें। हम चाहते हैं कि हमारी पीआईए में तरक्की हो, तमाम लोगों को बराबर की फ्लाइट्स मिले, तमाम लोगों को बराबर के हकूक मिले, जो कि पीपल्स पार्टी पीपल्स यूनिटी के लोग जो हैं वो धमका के लोगों से वोट ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम तुम लोगों को नो इंटरनेशनल कर देंगे, यानी इंटरनेशनल फ्लाइटों से हटा देंगे। हमारा मुकाबला पीपल्स यूनिटी से नहीं है, हमारा मुकाबला मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट उनके साथ है। हमारी एमबीसी है, उनके पीआईए फ्लाइट पीआईए के पिकअप से कोई वेंटर नहीं आ सकता, मैनेजमेंट उनके साथ बैठी है। हमारा मुकाबला बहुत टफ है, मगर गुंबज का निशान है, अल्लाह हमें जिताएगा, गुंबज खिजरा हमारे ऊपर है। भाई ये वही लोग हैं जो पीकेटी के एग्रीमेंट कर रहे थे और पीआईए को रीजनल एयरलाइन उन्होंने बनाना था, टर्किश एयरलाइन को उन्होंने अपने सारे रूट्स भेजने थे, और आज भी ये दो ग्रुपों में स्प्लिट हो गए और एक ग्रुप जो है वो बेनजीर भुट्टो और एक जरदारी के नारे लगा रहे हैं। और ये करप्शन यहाँ पे जो पीआईए में हो रही है, ये उसको फुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक। तो हम करप्शन रोकना चाहते हैं, हम पीआईए को जो है वो वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं, ये आज हो रहा है, इसका मुकाबला कर रहे हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, पीआईए को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं। ये हम पीआईए को बचाने की बात कर रहे हैं, आज पीआईए के बका का सवाल है, क्योंकि ये दूसरे हमारे जो मुखालिफिन है इन्होंने पीआईए को बेचने की, पहले सदर पाकिस्तान ने भी कहा कि हम टीकेपी के मुआहदे में 17 रूट टर्किश को दे रहे थे, ये सदर पाकिस्तान ने खुद कहा है। तो आज मैं पीआईए के मजदूरों से, मीडिया से अपील करता हूं कि वो एयरलीग का भरपूर साथ दें और एयरलीग को जिताएं। जश्न तो फिलहाल अभी 9 तारीख को फैसला होगा, इंशाल्लाह तब पता चलेगा कि जश्न असल जश्न तो 9 तारीख को होगा, अभी तो बस एक मुकाबला चल रहा है, इंशाल्लाह जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा।